खबर छुपी लाइव आपकी खबर तेज ऐसा। बिजली विभाग इस वक्त बकाए को लेकर जोर शोर से अभियान चला रही है और जिन उपभोक्ताओं पर 10,000 से अधिक का बकाया है उनकी बिजली काट दी जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मछरिया गांव में ऐसे ही एक गरीब परिवार की बिजली काटने में लापरवाही कर दी गई, जिसका खामियाजा 3 बच्चों को देना पड़ गया। गनीमत रही कि तीनों बच्चियों की जान बच गई, मगर इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बिजली विभाग के खिलाफ बेहद नाराजगी है। बिजली विभाग के अफसरों व लाइनमैन पर आरोप है कि उन्होंने जब लाइन काटी तो मेन लाइट काट दी, लेकिन अर्थ काटना भूल गए, जिस वजह से टुल्लू मोटर के पास किसी काम से गई एक बच्ची को करंट लग गया। फिर उसे बचाने दो बच्चे और गए जिन्हें भी करंट लग गया। तीनों बेहोश हो गए। यह देख परिजन सहम कर आनंद फानन में तीनों बच्चों को परिजन जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू किया। तीनों बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही खुलकर उजागर हो गई। एक लड़की और भी, ये सब बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों के उसके वजह से हुई है घटना। लापरवाही से ये तीन बच्चों की इस समय जान पे खतरा है। कहाँ गए ये? यहाँ जिगना चौराहे पे थे, हमको पता चला, हम बड़े पापा को लेके आए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे छोड़ दिए और वो बड़े पापा वहाँ पे कोतवाली पे गए हैं। वहाँ पे देखिए क्या होता है, हमें कैसे उनको क्या हो गया है बच्चों को बता रहे हैं। हमको सुनने में यही आया है सर कि जो है मोटर था, एक फेस का लाइट काटा गया था, एक फेस का लाइट नहीं काटा गया था। लड़की कौन काटा है लाइट? बिजली विभाग के लोग काटे हैं और हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। एक फेस में लाइट था, एक फेस का लाइट नहीं काटे, इसी वजह से बच्चों को जो है, इसी वजह से बच्चे को लाइट मतलब और वो गंभीर रूप से घायल एडमिट है, आप देख ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब नाम तो हमारा सर राहुल है। मामला ये हुई है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण, ये जो मामला आप देख रहे हैं, बिजली विभाग के लापरवाही के कारण ये मामला हुआ है। बिजली विभाग की टीम गई थी जांच में, बिजली विभाग की टीम गई जांच में, जांच करने के बाद वो लोग एक फेस की लाइट काटे और एक फेस छोड़ दिए। फेस छोड़ने के बाद बच्चे की हालत देख रहे हैं आप कितनी सीरियस है। क्यों लाइट काट दी है? बिजली का बकाया होगा। पूरे गांव के लोगों को धमकी भी देना, झड़प भी कर रहे थे लोगों से, जो ये परिवार के लोग कह रहे हैं। ये बेचारे असहाय परिवार, गरीब परिवार के लोग हैं, इनपे लोग गलत अभद्र भाषा प्रयोग कर रहे थे बिजली विभाग के लोग। क्या स्थिति है? और स्थिति बड़ी नाजुक है भाई साहब, बड़ी नाजुक स्थिति है। कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं? तीन लोग इसकी चपेट में आए। मैं सरकार से और प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करता हूं, बिजली विभाग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम लाइट ना बिल 10,000 रुपया बिल रहा, कहीं की बिल जमा करें भैया, अगर मेरे पैसा नहीं है तो पहले कमाई नहीं है, तो लॉकडाउन बाद पैसा जमा करे गए, पैसा नहीं जमा किए तो लॉकडाउन में हमारे काम नहीं करते, मजदूरदार नहीं दिए तो लाइट काट दी। एक फेस काटी, दूसरा फेस नहीं काटी, हमें मालूम नहीं रहा कि दूसरा फेस नहीं कटल रहा, तो हमारे बच्चे नल पर गए संजक जी, तो नल पर गए नहाए, लेकर नहाए कर तो नहीं लाइट रहा कटल रहा, और जब लाइट आए नल पर पानी आने गए तो छोटके लड़के के सर्विस को लाइट मारा, और सबका गए छोटका लड़का जब चिल्लाना सर्विस तो सबका गए, सबका चिल्लाने तो ससे गए, और तीनों बच्चे मेरे लाइट मारे। जवाहरलाल क्या मामला है? बिजली वाले सब कर्मचारी गए थे, ठीक है, जेई वगैरह पुलिस भी बुलाए थे, लाइन काटते समय पैसा नहीं दे पाए तो बेचारे के लाइन काट दिए और तीन बच्चों के लाइन मार दिया। क्यों कैसे? एक फेस काट दिए, एक फेस उसी में रखा गया, एक फेस बिजली विभाग वालों ने काटा ही नहीं, एक फेस काटा नहीं तभी तो अकेले लाइन गया, और बच्चन के अगर उसका चाचा ना आया होता तो वो तीनों बच्चे खत्म हो जाते। पीड़ित बच्चियों के परिजनों का आरोप है कि लॉकडाउन की वजह से वो लोग बिजली का बिल नहीं जमा कर पाए। 10,000 का बकाया होने पर आज बिजली विभाग उनकी लाइन काटने पहुंच गया और लाख मिन्नत करने के बाद भी उनकी एक न सुनी गई। वो क्या नाम है, स्थिर है और कोई गंभीर तो क्या बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से उनको जो है बिजली से इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ये आर्गन होता है खतरनाक होता है, कभी कभी हार्ट पर असर करता है, इसलिए इसको अंडर ऑब्जर्वेशन में
अगर ठीक ठाक रहेगा तो छुट्टी दो एक दिन में हो जाएगी। अभी स्थिति ठीक है? अभी स्थिति ठीक है। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर भाई। बहरहाल शासन के नियमों का पालन करने के साथ साथ विभाग के जिम्मेदारों को चाहिए कि वे जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाए ताकि उनकी कार्यवाही से किसी की जानहानि ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।